हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आपको पता है कि जून के महीने में आपके एग्जाम होंगे, जून 2022 में। फॉर्म फिलअप हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मई 15 के बाद आई होप कि स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम प्रोबेबली आपके जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए कॉमर्स की पाठशाला लाया है आपके लिए नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स, जो कि आप ले सकते हैं हमारे पास से एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। मैं इस नोट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पहले दे देता हूँ। ये एक पिक्चर है जिसमें आपको दिख रहा होगा, जून 2022 एग्जाम नोट्स फॉर बीकॉम एंड एमकॉम सिक्योर 80% इन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022। ठीक है, आपको अगर 80% या उससे ज्यादा मार्क्स आपको अगर एग्जामिनेशन में लाने हैं तो आप हमारे नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको पढ़ के आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो ये आप, और अगर आप कुछ के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे 8101065300 नंबर पे आप मुझे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि इस नोट्स का ही हिस्सा है। इस नोट्स के सबसे पहले क्वेश्चन जो कि MCO 1 से रिलेटेड है, मैं इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो वेरियस फंक्शंस हैं जो कि मैनेजर्स परफॉर्म करती है, उसके बारे में भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो तीन लेवल की मैनेजमेंट होती है, आपको पता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, है ना। तीन लेवल की होती है, एक एक करके फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, इट्स कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा इसमें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएगा और जनरल मैनेजर। टॉप लेवल के नाम से पता चल रहा है कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, जहां से सारे के सारे ये लोग इंस्ट्रक्शंस आते हैं लोअर लेवल्स तक, ताकि वो जो है काम को करें उस तरीके से। तो जो जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस है वो अपर लेवल से आते हैं, टॉप लेवल से आते हैं, और टॉप लेवल में ये सारे लोग इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इसकी जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है, सारी की सारी अथॉरिटी यहीं से स्टार्ट होती है। इट हेल्प्स इन गेटिंग द गुड्स एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। है ना, अब ये जो है ये क्या करते हैं, ये गोल्स आपके लिए सेट करते हैं कि ये हमारा गोल है, हमें ये अचीव करना है इस क्वार्टर में, हमें इस साल में ये अचीव करना है, और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसीज तैयार करते हैं कि किस तरीके से बिजनेस जो है रन करेगी, इस चीज के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी होगी, उस चीज के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी होगी। सो दीज आर द वर्क्स दैट डू, ये जो लोग हैं ये इस तरह के काम को करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। ठीक है ना, इट फर्दर एनेबल्स टू अप्रूव द डिसीजंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वहां पे भी बहुत सारे लोग डिसीजंस लेते हैं, तो उसको अप्रूव करने का काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था मैनेजमेंट में कितने तरह के लेवल होते हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो तीन होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप लेवल मैंने बता दिया कौन कौन से लोग होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, इट्स कंसिस्ट ऑफ द हेड ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट, रीजनल मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, ईटीसी। इट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट एंड सेक्शनल हेड्स, ईजी फाइनेंस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ईटीसी। एंड दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज। है ना, सिंपल सी बात है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल होगा उसके नीचे वाले लोग आएंगे, जो उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो उनके अंडर में काम कर रहे होंगे। अब उनके अंडर में आप सोचो क्या क्या काम, कौन काम कर रहा है। एक अगर कोई और उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उन डिपार्टमेंट्स का जो हेड होगा, है ना, वो इसका एक तरीके से आ जाएगा इसमें। प्लांट मैनेजर आ जाएगा, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल या फिर जो सेक्शनल हेड्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। फाइनेंस मैनेजर आ जाएगा, ब्रांच मैनेजर आ जाएगा, है ना, इस तरह के लोग जो है इसमें आ जाते हैं। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, जो भी पॉलिसीज बना रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम भी इनका होता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेवल इज टू एग्जीक्यूट द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड द गोल्स सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। है ना, इनका जो मेन काम है, जो मेन फंक्शन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो कहा है, जो उन्होंने गोल सेट किया है, जो उन्होंने पॉलिसी सेट की है, उसको एग्जीक्यूट करना, जो भी उन लोगों ने तैयार करा है, ठीक है, उसको काम करवाना, उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, फर्दर टू असाइन द ड्यूटीज अमंग द जूनियर लेवल मैनेजर्स एंड बाय गिविंग देम नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। है ना, फर्दर इनका ये काम भी होता है
कि जो जूनियर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट करना, उनको असाइन करना कि भाई ये काम तुम्हारा है, और उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि आपको इस तरीके से इस काम को करना है। सो दैट्स व्हाट मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर्सन डू, ठीक है ना। अब आ जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे कौन कौन लोग, चलिए देख लेते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन, अकाउंट ऑफिसर्स एंड अदर सबॉर्डिनेट स्टाफ मेंबर्स, है ना। तो यहाँ पे सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, फोरमैन आ जाएगा, अकाउंट ऑफिसर आ जाएगा, और जो सबॉर्डिनेट स्टाफ मेंबर्स हैं वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे। दिस लेवल इज मच मोर कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये जो है इनका मेन काम होता है कि जो भी टॉप लेवल और मैनेजमेंट लेवल से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करना अपने इम्प्लॉइज के बीच में, है ना। लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे आते हैं इम्प्लॉइज वगैरह, ठीक है ना। तो उनको एक तरीके से मैनेज करने का काम, उनके ऊपर किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट होगी, किस तरीके से पॉलिसीज को जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो करवाने का काम जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेवल इज टू गिव इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स एंड सुपरवाइज देयर वर्क, है ना। इनका मेन काम होता है एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को प्रोवाइड करना और उनके काम को सुपरवाइज करना। ऑल द लेवल्स शुड बी प्रॉपरली मैनेज एंड कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जितने भी सारे यू नो लेवल्स हैं इन सब का काम होता है कि साथ में मिल करके यू नो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ काम करना, ताकि उनका जो बिजनेस है वो और भी बड़ा हो सके। Therefore, the responsibility should be managed properly at all levels of management in an organization to get the desired results. इसीलिए जो responsibility होती है वो हर एक level पे तैयार की जानी चाहिए, और हर एक level पे same responsibility के साथ अगर लोग काम करेंगे तो जो भी आपका desired result है, जो भी goals आप achieve करना चाहते हैं वो आप achieve कर पाएंगे, है ना। Managers play a very important role in the smooth and efficient working of an organization. Managers assigns the task according to the authority and the job description of the position of the manager. He is expected to do the work according to the capabilities and expectation of the skills and resources available within the organization in the form of man and machine. I hope कि आपको समझ में आ गया। मैनेजमेंट एक बहुत ही मैनेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस काम को करने में। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये मैंने करा दिया, अब हम मेन फंक्शंस की बात कर रहे हैं मैनेजर के, ठीक है ना। तो इसमें जो मैनेजर होता है वो बहुत ही यू नो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो स्मूथली काम जो है ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा। मैनेजर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन करता है लोगों को उनके पोजिशन और उनके काबिलियत के हिसाब से, जो उनका स्किल होगा उसके हिसाब से, जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसके हिसाब से उनको काम उनके काम को जो है उनको असाइन किया जाता है। He is expected to do the work according to the capabilities. और उसको जो उसकी capability है, जो उसकी expectations है, उसके according जो है उसको काम करने की आवश्यकता पड़ती है उस organization में, ताकि एक you know एक balance बना करके रखा जा सके। और जो man and machine है उनका जो एक resources, man और machine दोनों ही resources है company के लिए, उसका ठीक तरीके से वो इस्तेमाल कर सके, ये जो है manager के main functions इसमें हो जाते हैं। तो ये तो हो गया। अब मेन फंक्शंस जो भी हैं मैनेजर्स के उनको हम एक एक करके पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। द मेन फंक्शंस ऑफ द मैनेजर्स आर, सबसे पहला होता है प्लानिंग करना। किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है ना। तो प्लानिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज दैट लीड टू द डेफिनेशन ऑफ द एंड्स एंड डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मींस टू अचीव द डिफाइंड एंड्स, है ना। अब प्लानिंग में होता क्या है कि यहाँ पे आप एक्टिविटीज यू नो तैयार करते हो, उन एक्टिविटीज का बताते हो कि इसका ये डेफिनेशन है, इस एक्टिविटी के तहत हम ये इस काम को करेंगे और ये हमारा एंड रिजल्ट होगा, हमें इस चीज को अचीव करना है, है ना। तो आप डेफिनेशन तैयार कर देते हो एंड्स का, जो आप पाना चाहते हो उस चीज का आप डेफिनेशन तैयार कर देते हो, और फिर उसी के तहत आप अप्रोप्रिएट तरीके से उस एंड को अचीव करने के लिए आप काम को करते हो। It is the course of development by which a manager anticipates the future and discovers alternative course of action that is open to him. है ना। तो ये एक तरीके से कोर्स ऑफ डेवलपमेंट होता है, जहां पे मैनेजर जो होता है वो एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर में उसको क्या अचीव करना है, फ्यूचर में वो क्या पाएगा, और उसके उस काम को करने के तरीके कौन कौन से होंगे, जो भी ऑल्टरनेटिव उसके पास अवेलेबल है, प्लान ऑफ एक्शन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग उसको बेस्ट सूटेड जो होगा उसके ऊपर जो है उसको काम करना है, और जो भी उसकी प्लानिंग है उसके तहत काम करते हुए उसको अपने गोल्स को अचीव करना होता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर एंड एलोकेशन ऑफ जॉब्स आर डिटरमाइंड, है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है जहां पे आप स्ट्रक्चर तैयार करते हो, जहां पे आप जॉब्स को एलोकेट करते हो अपने अपने इंप्लॉइज में कि भाई तू ये काम करेगा तो वो काम करेगा, तेरी ये एबिलिटी है तो तू ये काम करेगा, आप समझ रहे हो। तो जॉब को एक तरीके से यू नो एलोकेट करने का काम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के तहत किया जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू ट्रांसलेट द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज इनटू अ स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड अथॉरिटी, है ना। तो यहाँ पे वो सारी की सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज आ जाएंगी, जहां पे आप जो ऊपर से जो मैनेजमेंट से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज आपको करनी होती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएंगी। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो जहाँ पे
यू नो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती है लोगों की, ठीक है। इट इंक्लूड्स फोर सब सेक्शंस एंड दे आर एज फॉलोज। अब इसमें चार सब सेक्शंस हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है इट डिफाइन द नेचर एंड कंटेंट ऑफ ईच जॉब इन इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब ऑर्गेनाइजिंग जो है एक तरीके से वो हर एक जॉब का यू नो उसका जो नेचर होगा, जो उसका कंटेंट होगा, उसके बारे में वो आपको बताएगा कि ये भाई इसका नेचर है, ये इसका कंटेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है मुझे काम चाहिए, ये इसके अकॉर्डिंग जो है काम जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इट डिटरमाइंस द बेसिस फॉर ग्रुपिंग द जॉब्स टुगेदर। अब यहाँ पे ये भी डिटरमाइन किया जाता है कि किस तरह की सिचुएशन में हम दो जॉब्स को एक साथ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो चीजें अगर अलग अलग हो रही हैं तो काम को करने में कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो समटाइम्स क्या होता है कि वहां पे ग्रुपिंग कर दिया जाता है। दो लोग, दो चीजें अगर एक साथ हैं, दो चीजें अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक के बाद एक होने वाली है, तो दोनों चीजों को ग्रुपिंग कर दिया गया ताकि एक काम खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। तो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कि किस बेसिस पे आप दो जॉब्स को एक तरीके से ग्रुप कर सकते हो। सी नंबर है इट डिसाइड द साइज ऑफ द ग्रुप। और ऑर्गेनाइजिंग जो होता है इस एक्टिविटी के तहत आप ग्रुप के साइज को डिफाइन करते हो, डिसाइड करते हो। इट हेल्प्स इन डेलीगेशन डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू द असाइंड मैनेजर्स। अब ये यहाँ पे हेल्प करता है कि जो भी असाइंड मैनेजर्स हैं उनकी अथॉरिटी को डेलीगेट करना, उनकी अथॉरिटी को उन तक पहुंचाने का काम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग करती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज दी जाती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में पता चल गया आपको, ऑर्गेनाइजिंग में जब आपने ऑर्गेनाइज कर लिया कि भाई ये काम इसको करना है, अब स्टाफिंग में आप उस काम को करने के लिए आप सूटेबल आपका जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको आप चुनोगे, ठीक है ना। तो इट इज द प्रोसीजर और फंक्शन बाय विच मैनेजर कैन सेलेक्ट, ट्रेन, प्रमोट एंड रिटायर देयर सबऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये एक प्रोसीजर होता है, एक कार्य होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत मैनेजर जो होता है वो लोगों को चुनता है, उनको ट्रेन करता है, उनको प्रमोट करता है या फिर उनको उनके जॉब से रिटायर कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स। Staffing deals with the complete human resource planning and activities that is performed by the managers. Staffing में जो है वो सारी की सारी activities हो जाएंगी जो कि completely human resource से related है, human resource planning से related है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो कि manager perform करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोगों का selection करना, उनको train करना, उनको promote करना, promotion देना, या sometimes जो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनका retirement age आ चुका है उनको retire कर देना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो managers करते हैं। चौथा है डायरेक्टिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन गाइडिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स टुवर्ड्स कॉमन गोल। इट इज वन वन एस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो ये जो एक तरह का प्रोसेस होता है जहां पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है सबॉर्डिनेट्स का उसको आप गाइड करते हो कॉमन गोल की तरफ कि भाई देख ये मुझे अचीव करना है, ये हमें अचीव करना है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमें काम करना पड़ेगा, तो हमें हम सब के परफॉर्मेंस को इस दिशा में हमें लेकर के जाना है। तो ये डायरेक्शन का काम जो है इस डायरेक्टिंग फंक्शन के तहत मैनेजर्स करते हैं। इट इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो ये एक एस्पेक्ट होता है इस फंक्शन का जहां पे जो भी डायरेक्शंस होते हैं वो लोअर लेवल्स की तरफ लेकर के जाते हैं, ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं और उनको फिर डायरेक्ट किया जाता है लोअर लेवल्स की तरफ, और फिर ताकि वो जो है अपने जो भी डिजायर्ड उनके ऑब्जेक्टिव है वो उनको अचीव कर सकें, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, पांचवा फंक्शन है कम्युनिकेटिंग। पांचवा फंक्शन हो गया कम्युनिकेटिंग। सो दिस प्रोसेस हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग आइडियाज टू अदर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एक प्रोसेस है, कम्युनिकेटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप आइडियाज को ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, आप उसको अचीव कर सको। ये पांचवा था। छठा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का काम भी जो है वो मैनेजर का ही होता है। दिस प्रोसेस रेफर्स टू कॉन्साइसली चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। डिसीजन मेकिंग के तहत क्या करता है मैनेजर, वो एक तरीके से ये प्रक्रिया होती है जहां पे मैनेजर जो ये चूज करता है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन उसको लेना है ताकि उसका जो जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, है ना। सपोज दो तीन ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है किसी काम को करने के, तो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होगा उसको वो चुनना है, और ये चुनने का काम जो है, जो डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो मैनेजर करता है, ठीक है ना। सातवां पॉइंट है कंट्रोलिंग। दिस प्रोसेस मेजर्स द करंट परफॉर्मेंस एंड गाइड्स इट टुवर्ड्स द सम प्रीडिटरमाइंड गोल्स, है ना। कंट्रोलिंग में हो गया कि जैसे डायरेक्टिंग था ना, डायरेक्ट करना, वैसे कंट्रोलिंग है कि आप लोगों के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि इस तरीके से अगर आप परफॉर्म करोगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, जो करंट परफॉर्मेंस है वो आपका बहुत अच्छा तरीके से है, अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप उसको एनकरेज करोगे कि भाई ऐसे करके परफॉर्म करो, तो आप एक तरीके से उनकी एक्टिविटीज को, उनके परफॉर्मेंस को आप एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट मैनेजर्स अंडरटेक टू अश्योर दैट एक्चुअल आउटकम्स आर कंसिस्टेंट विद प्लान्ड आउटकम्स, है ना। तो यहाँ पे ये एक तरीके से एक्टिविटी की जाती है ताकि मैनेजर ये चीजों को देख सकें कि जो भी उनके द्वारा एक तरीके से यू नो
प्लैंड आउटकम्स था कि देखो ये हमें अचीव करना है, ये हमारा प्लानिंग है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर हमें ये चीजें अचीव कर लेनी है, तो उसको काम में लाने के लिए, उसको एक्चुअल बनाने के लिए, उसको एक तरीके से सही बनाने के लिए जो है कंट्रोलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैनेजर ये काम को करते हैं. देयर मस्ट बी थ्री बेसिक कंडीशन दैट मस्ट एग्जिस्ट टू अंडरटेक कंट्रोल एंड दे आर एज फॉलोज. तो यहाँ पे तीन बेसिक कंडीशन है जिनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है स्टैंडर्ड्स, दूसरा है इन्फॉर्मेशन, और तीसरा है करेक्टिव एंड काउंटर एक्टिव एक्शन, है ना. सो बिसाइड दीज प्रिंसिपल्स दे परफॉर्म वेरियस रोल्स ऑल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन, नेमली इंटरपर्सनल रोल्स विच इंक्लूड लीडिंग, लाइजनिंग एंड सिंबल और फिगर हेड, इन्फॉर्मेशनल रोल्स कवर मॉनिटरिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन, एंड डिसीजन रोल्स सच एज टेकिंग इनिशिएटिव, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड नेगोशिएटिंग. तो ये वो सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है. इन सारी ऊपर की एक्टिविटीज को छोड़ करके ये सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है. तो तीन तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज के बारे में बताया गया. सबसे पहले बताया गया इंटरपर्सनल रोल्स, जहाँ पे वो लीडिंग करेगा, लाइजनिंग करेगा, सिंबल और फिगर हेड बन के काम करेगा. दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल्स, मैं थोड़ा इसको और डीप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना. तीन और रोल्स हैं. इन्फॉर्मेशनल रोल्स, जहाँ पे वो मॉनिटर करेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और एज ए स्पोक्स पर्सन काम करेगा. और तीसरा है डिसीजन रोल्स, जहाँ पे वो, इसको थोड़ा और डीप कर देता हूँ, जहाँ पे वो इनिशिएटिव लेगा, डिसएग्रीमेंट को हैंडल करेगा, रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा और नेगोशिएशन करेगा. तो ये तीन रोल और है. इस तीन रोल के तहत अलग अलग फंक्शन है जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है, ठीक है ना. All these functions and roles are performed by the managers in order to maintain a balance between all the levels of management. तो manager जो होता है वो इन सारे activities को perform करता है ताकि जो एक balance है between the all the levels of management, चाहे वो top हो, lower हो या middle हो, उन सब के बीच में जो एक balance है उसको manage करने के लिए जो manager होता है वो इस काम को करता है. These functions are performed by the senior managers and high rank officers in order to maintain a balance between the work and पीपल. अब ये जो जो भी फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो सीनियर जो मैनेजर्स होते हैं, जो हाई लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं, वो इन सारे एक्टिविटीज को करते हैं ताकि वर्क और पीपल के बीच में, वर्क और लोगों के बीच में जो एक बैलेंस है उसको ठीक तरीके से बना करके रखा जा सके, ठीक है. बिसाइड्स असाइनिंग एंड गेटिंग द वर्क डन थ्रू द सबॉर्डिनेट्स, इट बिकम्स ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम बाय गिविंग देम इनफ स्पेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड वर्क सेटिस्फैक्टरी इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो ये असाइन काम करना, काम को असाइन करना लोगों को, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे उनको इनफ स्पेस प्रोवाइड करना ताकि वो अपने जो भी उनके फीलिंग्स हैं वो उसको एक्सप्रेस कर सके, उनका जो काम है वो सेटिस्फैक्टरीली कर सके, उसको सेटिस्फैक्शन हो उस काम को करके. इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना भी एक मैनेजर का काम होता है. दस मैनेजर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय डिवोटिंग हिज टाइम टू द स्टाफ एंड गिविंग देम इनफ स्पेस टू एक्सप्रेस एंड सॉल्व द इश्यूज, बीट ऑफिशियल और पर्सनल. तो एक मैनेजर जो होता है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस के, एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में, और एक तरीके से जो भी करना चाहिए उसको, वो सारे काम को एक तरह से डिवोशन के रूप में करता है, खुद को एक तरह से समर्पित करके करता है ना, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे सेटिस्फैक्टरीली काम कर सकें, एफिशिएंटली काम कर सकें, उनको इनफ स्पेस दिया जा सके ताकि वो अपने फीलिंग्स को, वो अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सकें, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर पर्सनल हो. तो मैनेजर एक तरीके से हर एक तरह के काम को करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं. आपको उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, बट वहां पे एक एक क्वेश्चंस आपके साथ शेयर की जाएंगी. ये जो मैं अभी देख रहा हूं, अभी जो मेरे हाथ में है, जो अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा नोट्स है जो कि जून 2022 के लिए तैयार किया गया है. अगर आप इस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. आप हमें कॉल कीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको पेमेंट करना है. पेमेंट का फी भी बहुत ज्यादा नहीं है. जिस तरीके से आप ट्यूशंस करते हैं तो 500-600 रुपए, 1000 रुपए आपको महीने के देने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको उतना नहीं देना. नोट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए पर पेपर पे करना है, जो कि 6 पेपर का 1800 होता है, लेकिन आपको सिर्फ 1500 रुपए ही पे करने हैं ताकि आपके जो है ज्यादा ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए. मैं एक एक सब्जेक्ट का जो है फी माफ कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट का फी मैं कॉन्सेशन में दे रहा हूँ. मुझे सिर्फ 5 पेपर की फीस चाहिए, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री फ्री रहेगा, ठीक है ना. तो ये आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज इसके ऊपर वीडियोस तो बनेंगी ही. इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमारे वेबसाइट को फॉलो कीजिए. ये हमारा इग्नू.एम.कॉम ओल्ड का वेबसाइट है. यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज के नाम दिखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के.
इस वेबसाइट में आपको ढेर सारे यू नो सब्जेक्ट, जैसे कि आप सपोज आपका एमसीओ वन पढ़ना है, एमसीओ वन के ऊपर आपने क्लिक करा, यहाँ पे देखो यूनिट वाइज क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, हालांकि सबके आंसर अभी अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे अगर आपको इन सबके आंसर चाहिए, सपोज आपको आंसर पढ़ना है क्वेश्चन नंबर वन का, डिस्क्राइब बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर के ऊपर क्लिक है जो लिखा हुआ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको आंसर जो है आपकी स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे आकर के, दिस इज अ डिफरेंट तरीका जिसके जरिए आप यू नो एक तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा वेबसाइट तो है ही जहाँ पे आप आकर के स्टडी करेंगे, इन वीडियोज में आप आएंगे, वीडियोज में यहाँ पे ढेर सारी वीडियोज अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाना आप, ठीक है ना। यहाँ प्ले लिस्ट में जाने के बाद इग्नू एमकॉम न्यू में नहीं जाना, इग्नू एमकॉम ओल्ड में जाना है। ओल्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की आईबीओ वन से लेकर आईबीओ सिक्स और एमसीओ वन से लेकर के एमसीओ सेवन तक की सारी सब्जेक्ट्स की वीडियोज मिलेंगे, जिनको आप पढ़ के सुन करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।